तो बात करते हैं रॉबस्टेटिक ग्रिप या फिर ल्यूपर्ट्स मैनूवर्स की। यहाँ पे चार मैनूवर होते हैं एंड ये जो है दिस आर डन है ना, एक तरह से पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है पर एब्डोमिन। और ध्यान रखना है कि ये कब करना है भाई, एम्प्टी ब्लेडर में रख, एम्प्टी ब्लेडर हो तब करना है ये चीज़ को ध्यान रखना है। और पेशेंट कैसी होनी चाहिए, लेटी होनी चाहिए विथ फ्लेक्स नी। ले क्या होते हैं, गलती से ये भूल जाते हैं तो ये नहीं भूलना अपने को, फ्लेक्स नी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एम्प्टी ब्लैडर, पर एब्डोमिन एग्जामिनेशन एंड लाइंग फ्लेक्स्ड विथ नी। जो फर्स्ट ल्यूपर्ड मैनूवर है जिसको और ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप भी बोलते हैं है ना, और इसको फंडल ग्रिप भी बोलते हैं फर्स्ट ल्यूपर्ड मैनूवर को। इसमें दो चीज़ें पता चलती है भाई, एक प्रेजेंटेशन एंड एक लाइव। प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर जो बच्चा है वो हमको ब्रॉड जो फील हो रहा है एब्डोमिन पर एब्डोमिन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगर हम उसमें उसमें ब्रॉड इरेगुलर एंड शॉफ्ट सा फील हो रहा है तो ये उसका बटक है। एंड मतलब ये कौन सा प्रेजेंटेशन में है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, हेड डाउन। एंड अगर हार्ड फर्म एंड ग्लोबुलर है तो ये हमारे पास उसका हेड फील हो रहा है हमको, एंड ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है। क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात, दूसरा जो हमको पता चलता है फर्स्ट मैन्यूवर जिसको हम बोलते हैं फंडल ग्रिप से, वो है लाई है ना। अगर हमारे पास जो फीटल पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, सेकेंड इज़ लाई। अगर हमारे पास जो फीटल पार्ट्स हैं वो यहाँ पे फेल्ट हुए या फिर नहीं हुए, अगर फेल्ट हो रहे हैं तो हमारे पास जो लाई है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर फील नहीं हो रहे हैं मतलब ट्रांसवर्स लाई है, मतलब ये अगर हम बिल्कुल से इस प्रकार का है अगर फेल्ट हुए तो, एंड इस प्रकार का है अगर फेल्ट नहीं हुआ तो। ठीक, दूसरा जो ल्यूपोल्ड मैन्यूवर है जिसको सेकेंड ग्रिप, लैटरल या फिर अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं, यहाँ पे हमको क्या समझ आता है, पोजीशन ऑफ फीटस, पोजीशन ऑफ फीटस है ना, ब्रॉड, ब्रॉड लाइक होता है, मतलब ब्रॉड लाइक अगर स्मूथ रेगुलर फील हमको देखने को मिला लैटरल ग्रिप में है ना, एंड कर्व यहाँ पे फील हुआ मतलब ये है बैक। ठीक है, एंड अगर हमारे पास स्मॉल मल्टीपल नॉब फील हुए है ना, नॉब लाइक स्ट्रक्चर हमको फील हुआ इन द लैटरल ग्रिप, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिम। ठीक है, तो अगर मैं बात की हमने अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड ल्यूपर्ड मैनूवर की, थर्ड जो है जिसको हम पॉलिक ग्रिप भी बोलते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन का अनुमान होता है एंड सिंगल हैंड से करते हैं भाई, सिंगल हैंड से करते हैं हम। थंब कैसा रहेगा यहाँ पे, ओवर स्ट्रेच्ड रहेगा, ओवर स्ट्रेच्ड थंब, एंड जो फोर फिंगर्स हैं, फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड प्लेस्ड ओवर लोअर पोल ऑफ यूट्रस। एंड अगर बेलो टेबल है फील में तो वो एंगेज नहीं है, लेकिन अगर सिफेलिक है हेड है तो हमको कैसे फील होगा, हार्ड राउंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसा फील होगा। ठीक है, तो हमने बात की वो थर्ड ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप जिसको हम पॉलिक भी बोलते हैं। फोर्थ जो है डीप ग्रिप। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करते हैं इसको, हमारे पास जो फीट होना चाहिए, हमारे पास जो हम लोग फेस कैसे करेंगे फीट ऑफ द पेशेंट को है ना, जो लेडी है उसके पैर की तरफ हम मुंह रखेंगे। एंड जो हमारे हैंड होने चाहिए वो किसके पैरेलल होने चाहिए, हैंड शुड बी पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, जो हैंड कवरेज है ना, हैंड कवरेज जो है बिलो दी हेड ऑफ बेबी, ना जिससे जो हेड होगा इट नॉट एंटर दी पेल्विस।
तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ग्रिप्स की बात की हमने, फर्स्ट ग्रिप जिसको फ्रंटल ग्रिप बोलते हैं, सेकंड लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड इज पॉली ग्रिप, फोर्थ इज डीप पेल्विक ग्रिप। ठीक है, ऐसे दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स, चार जो है हमारे पास ल्यूपोल्ड मैनूवर भी कहलाते हैं यार, है ना। इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है ही, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है 5 नंबर में, तो इसीलिए हमने देखा ये, और इन जनरल हमको पता भी होना चाहिए।